चलो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। ओ बर्फ आ रही है, देखो 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 बर्फ ऊपर से कैसे आ रही है, वो ऊपर से बर्फ आई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो हम आज ले से निकल गए हैं नुब्रा वैली के लिए। एंड नुब्रा वैली जा रहे हैं, देखते हैं हम भी क्या क्या है। बड़ा उसके बारे में सुना है कि कराकोरम रेंज है, उसके बीच बीच पड़ता है, वहाँ पे डबल हम्प वाले कैमल्स होते हैं और सैंड ड्यून्स वहाँ पे हैं काफ़ी। तो लेट्स सी कि वहाँ पे हमें जाके क्या मिलता है, और जो भी होगा, जो भी जेन्युइन चीज़ होगी ना वहाँ पे, वो आपको बताई जाएगी। कुछ ये बड़ा चढ़ा के नहीं, क्योंकि जो हम अपना एक्सपीरियंस जो हमें फील हो रहा है आज की डेट में, वो आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि अभी भी देखो यहाँ पे सांस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। मेरे को मतलब आई एम गैस्पिंग फॉर एयर, ठीक है। और हमारे पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, सच में सीरियसली। अभी यहाँ पे हम 11,000 और दो दिन हमको हो गए हैं ऑलरेडी रहते हुए। सर दर्द नहीं गया कहीं पे भी, गोली खा के गुजारा चल रहा है, और साथ साथ सांस का इशू तो है ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम ले सिटी से जा रहे हैं पास होते हुए पास, और उधर फिर जाएंगे नुब्रा वैली, और उधर डबल हम कैमल भी होते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर बैठूंगी फ्रेश हो के। लॉलीपॉप कहाँ है? 150 की लॉलीपॉप ली थी इसने, हाउस ऑफ कैंडी, खाई जा नहीं रही। और देखो पूरा अपना फेस दिखाना यशमित, सीधा देखो देखो यशमित। मैं सभी आपके फ्रेंड्स को बताऊं, आपने खाना नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, ये खाना नहीं खाता, ये बहुत डर्टी फेलो है। और हाँ, तो अभी हम आपको मिलेंगे नुब्रा वैली, वहाँ पे बहुत मजा आएगा, आप भी एक बार आके देखना हो तो। और हमारे चैनल को फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सी सबसे अच्छी वैली लगी, या फिर कौन सा सबसे अच्छा पास लगा। और अभी आप हमारी वीडियो देख के खूब इंजॉय करो। बाय, लाइक और सब्सक्राइब टू माई कॉमेंट। बच्चों के पापा चला रहे हैं गाड़ी, ये देखो, ये देखो पीछे नीचे ना पूरी ले सिटी दिखाई दे रही है। नुब्रा वैली की तरफ जाओ ना, तो अभी जस्ट हमने जर्नी अपनी स्टार्ट ही की है, और यही मुझे लगता है सेम जगह वहां से भी दिख रही थी, शांति स्तूपा से ना, है ना, यही सारे पेड़ और सब। वो तो रहा सामने शांति स्तूपा। हाँ वो तो रहा सामने, बिल्कुल देखो सामने शांति स्तूपा वो रहा। कल तो वहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई थी ना रवि, इतनी ठंड थी वहाँ पर। कुछ लोगों ने बताया ड्राइवर्स ने कि कल नुब्रा वैली जो गाड़ियाँ जा रही थी उनको रोक लिया गया था, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था, स्नोफॉल पड़ गई थी और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। इसी वजह से कल हम जब शांति स्तूपा पे थे वहाँ पर भी स्नोफॉल होनी शुरू हो गई थी, बहुत ठंड थी कल, बहुत ज़्यादा वहाँ पर। पता नहीं चलता गाड़ी चलाते वक्त, ड्रोन होता तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने वाली जगह एक्चुअली कोई बात नहीं, ड्रोन भी ले लेंगे। ये रवि गए यहाँ पे साउथ पुल्लू नाम की जगह है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, एंट्री करवानी पड़ती है। जब हम ले से जस्ट निकले ही थे तो वहाँ पर भी एक पेट्रोल पम्प है, जब आप ये वाले रास्ते पे नुब्रा वैली वाले रास्ते पे चढ़ते हो जैसे, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप के बाहर भी उन्होंने हमें रोका, हमारी परमिट उन्होंने चेक की और फिर आगे जाने दिया। और अब यहाँ पे साउथ पुल्लू पे फिर सारी गाड़ियों को रोका गया। फ्रेंड्स, अगर आपको नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक जाना होता है ना, तो अभी आपको परमिट लेनी पड़ती है जो ले से मिलती है, नहीं तो आप नुब्रा वैली नहीं जा पाओगे।
तो हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला पास पे और देखो वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे खारदुंगला 18,380 फीट और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे एक्चुअली ना, लोग गाड़ियाँ रोक के ना ये बर्फ में खेल रहे हैं। हाँ, और इसमें भी देखो गाड़ी में 0 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि हमेशा 10 डिग्री, हाँ -10 होना चाहिए इस वक्त। हाँ, इस वक्त -10 है भाई बाहर। स्कॉर्पियो एन का टेम्परेचर सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हमेशा ही बिगड़ा रहता है। इसमें 0 डिग्री दिखा रहा है तो इसका मतलब 10 डिग्रीज का फर्क है। ये खारदुंगला टॉप है ना, खारदुंगला पास क्रॉस करते ही ना ये पूरा ऑफ रोड है, रोड बहुत ही बेकार है। बेकार तो क्या है, यहाँ ना बर्फ पड़ जाती है हर 2-4 दिन में, वो पानी जब पिघलती है बर्फ पानी, वो सारा रोड जो है वो बहा देता है, रोड टूट जाती है, फिर ये बीआरओ वाले इस पे मिट्टी डाल देते हैं। हाँ, ये जो इतनी तेजी से निकाल कर लेकर जाते हैं ना यार गाड़ियां, पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं इनमें भी लोग, हमसे तो नहीं है इतनी तेजी से निकाली जाती, इतना दूसरे गियर पे इतनी हिला देती है गाड़ी। बेटा ये ना खारदुंगला पास के बाद नॉर्थ पुल्लू, पहले साउथ पुल्लू आया था जहाँ पे हमने अपनी रजिस्ट्रेशन चेक करवाई थी, ये नॉर्थ पुल्लू नाम की जगह है। हाँ पुल्लू ही बोल रही हूँ, पुल्लू नहीं बोल रही। हाँ तो यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे ना थोड़े ढाबे वाबे हैं, हमने सोचा चाय वाय पी ले, हो रही हमारी स्कॉर्पियो वैन और ये देखो। हाँ यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हो, विच आर नॉट क्लीन ऑफ कोर्स। ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम है, तो बच्चे बोले कि यहाँ पे रुकते हैं। कहाँ है सचे हम खारदुंगला पास में नॉर्थ। शूज ठीक से पहन यार, गिर जाएगा पूरा पैंट। यश में मजा आ रहा है, ट्रैकिंग करने में मजा आ रहा है। ये ट्रैकिंग थोड़ी ना, इधर से आ जाओ बच्चों, आओ फॉलो अस, फॉलो मी। इधर देखो वो है याक्स, कहीं पीछे ही पड़ जाए। याक पीछे पड़ता है कभी? क्यों, बड़ा आपका एक्सपीरियंस है याक के साथ, क्यों नहीं पीछे पड़ सकता याक? स्नो। हाँ मीति और मेरे शूज सेम, क्योंकि मैंने दीदी के शूज पहन लिए, वो दीदी ने मम्मा के पैर में। चलिए आओ चलिए आओ, ऊपर पैर रखा ना अंदर, सीधा नदी के अंदर जाएगा। ये गड्ढा नीचे, ये ऊपर बर्फ की वो जमी हुई ना, जो पानी आता है ना जमा हुआ है अभी तक। मैं जाऊं? देखो रुको 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 जरा, ये पत्थर मारेंगे तो ये जाएगा अंदर। देखो देखो मम्मा देखो, इसने ये पैर रखा तो ये बहुत भारी है, नहीं फेंक पाएगा तू? नहीं, जोर से फेंक ऊपर। अबे यार अब टूटेगा ये, देखो देखो मम्मा, ये देखो वीडियो बनाओ, ये एक बहुत तगड़ी है, वीडियो नहीं है अपने फैन का गलत है, जोर से फैन में छोड़ गया। इधर आइयो एक मिनट, पीछे पहाड़ पर रखो, मेरे को कोई पत्ता दे दो। ओ बर्फ आ रही है, देखो 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 बर्फ ऊपर से कैसे आ रही है, ओ ऊपर से बर्फ आई पापा देखो। चलाओ रवि, फटाफट आना, रुक रुक गए तो गिरोगे, जम 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 कम ऑन, रुकना नहीं, एक पत्थर पे दोनों। ये हम तो हो लिए पार। ये ना नॉर्थ पुल्लू नाम की एक जगह आती है, जब आप नुब्रा वैली के तरफ जाते हैं खारदुंगला पास क्रॉस करने के बाद नॉर्थ पुल्लू आता है, उसके बाद तकरीबन मुझे लगता है हम 15 किलोमीटर आ चुके हैं, रोड खराब ही है अभी तक, खराब है, देखो कैसी रोड है।
ये रोड खराब ही है। हाँ, ये मुझे लगता है पता नहीं अब कितने किलोमीटर्स ऐसी है, अपडेट कर देंगे आपको, पर बड़ी खराब सी रोड है। तो खराब रोड आती है ना और ज्यादा सर में दर्द होता है। ये थोड़ा ना बजरी 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 सी टूटा बजरी बजरी। हाँ, ये पहाड़ ऐसे है ना, ये देखो यहाँ से आई हुई है नीचे। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है यशमित? किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? हुआ क्या ये तो बताओ। अरे कॉपीकैट मैं ना ऐसे लेटी तो ना ये भी लेटा, इसकी आंख ना इतनी अजीब लग रही थी ना ऐसे, तो ये भी हंसने लग गया। मतलब बिना कोई बात के, बचपन में ऐसा ही होता है, बिना बात के हंसी आती है और आती है तो फिर रुकती भी नहीं। और हम लोगों को तो हंसी आती है। लड़की जैसी एक्टिंग कर रहे हैं मम्मा, देखो लड़की जैसी एक्टिंग ऐसे ऐसे। इनकी हंसी सुन के ना हमारे फेस पे भी स्माइल आ गई। लेकिन आजकल हंसने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करने के लिए वो कैमरा तो क्या एक्टिंग करे, मिट्टी लड़कियों की जैसे एक्ट करियो करियो एक्टिंग। ये देखो कैसे लेटा हुआ है। चलो मैं बाहर व्यू दिखाऊं, वहां से दिखाओ सर, दिखाओ अच्छी वहां से व्यू। ये देखो व्यू, उधर थोड़ी थोड़ी स्नो है, इधर तो है भी नहीं। और अभी हम नॉर्थ कुल्लू में है, दूध पी नहीं, नॉर्थ कुल्लू से निकल चुके हैं हम, निकल चुके हैं। अब कहाँ है? नूबरा की तरफ जा रहे हैं। हाँ, नूबरा वैली की तरफ जा रहे हैं। कर 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 तुम्हारे कर ना प्लीज प्लीज बेटा, देना एक बार। देखो लड़कियों से एक्टिंग कर। तकरीबन 20 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद, नॉर्थ कुल्लू के बाद 20 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद ये सही रास्ता आया है। और देखो अब ये कब तक, कहाँ तक है ये रास्ता सही। पर ना रास्ता तो सही आ गया, पर रोड बहुत नैरो है ना रवि, और ज्यादा वो है, ज्यादा वीवी है रोड। हाँ। टर्न बहुत ही अंधे मोड़ है और बहुत पास है, और एक के बाद दूसरा कट बड़ी आसानी जल्दी आता है। वही तो, पीछे तो हमारी गाड़ी रपट जाती है। वो बजरी थी, हमने वो नीचे स्टीप, नीचे का वो भी था, नीचे का स्लोप था, तो गाड़ी थी तेजी से नीचे गई और एकदम से घूम गई। हाँ, वो पत्थर आगे थे ना एकदम बहुत रोड पे, और हम स्पीड पे थे और वो एकदम से ही गाड़ी स्लिप हो गई। पर ये तो रोड सही लग रही है अब, ये देखो। अच्छा, और क्या करना है यशमित को? और भी एडवेंचर होएंगे। हाँ, अभी हम जाके डबल हम्ड कैमल होगा उसके ऊपर बैठेंगे। कहाँ जाना है? तो कितनी सुंदर रोड है ये, हम डिस्किट नाम की जगह है नूबरा वैली जाते वक्त ना उस तरफ जा रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट विलेज है या टाउन जो भी कह लो डिस्किट है उस, वो वहाँ पे कितनी सुंदर रोड है ना, बहुत सुंदर है और बहुत हाड़ू है। हाड़ू रोड है, हाड़ू। आगे देखो ट्रक के साथ ट्रक फंसा हुआ है, गाड़ी ट्रक के साथ फंस जाती, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो है। यहाँ पे थोड़ी काजा की याद आई, काजा जाते वक्त भी ऐसी रोड थी, सांगला वाली रोड। क्यों? वो तो ऐसी थी और वो हाइट पे भी बहुत थी, वो रोड ऐसी थी सांगला वाली लेकिन उसकी हाइट भी थी, लेकिन वहाँ बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पर तो भाई दुनिया उमड़ी हुई है, सबको यहाँ आना है। मेरा 9 किलोमीटर
हाँ मुझे तो वही जगह पसंद थी, बहुत ज्यादा सुंदर है वो, पर कोई जाना मत वहाँ, ठीक है? कहाँ पे? काजा, वहाँ भीड़ भड़ाका मत करना। भाई इतना सुंदर तो, मतलब सुंदर तो क्या, हाँ सुंदरता तो है ही यार, हमारे लिए तो सुंदरता ही है, ये पहली बार देख रहे हैं तो। मैंने कहा राजस्थान में भी इतने सुंदर नहीं होते भाई टीले, देखो कितनी ये अलग तरीके के सैंड ड्यून्स हैं। इसी फीलिंग की तो है धक्के खाना, अभी तो हम आए हैं यहाँ पे और यही फीलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। देखो हर तरह की फीलिंग ले ली, सांस कम ले ली, बट कुछ खो के कुछ पा तो लिया ना यार। पाया क्या है, पाया ये है, ये चीजें जो जिंदगी में कभी सोचते थे कि कभी देखेंगे, तो अब हम अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सबके साथ अपने डिजायर्स, उनके भी डिजायर्स हैं, उनको भी पूरा कर सकूँ। लोगों को पता चले है ना जो खुद नहीं हाँ। आ सक रहे यार कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली, हाँ या जो आने से डरते हैं, सोच रहे हैं अभी भी, स्टिल दे आर प्लानिंग कि वेदर दे शुड गो और नॉट, है ना। तो उनके लिए ये वीडियोस हम बनाते हैं क्योंकि हम भी एक वक्त था, इवन इनफैक्ट अभी भी हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं आने से पहले, और मुझे लगता है एंड दोस वीडियोस आर रियली हेल्पफुल। हाँ बिल्कुल, हाँ जो भी लोग पहले आए हैं उन लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, रिसर्च करके, और जो चीजें उन्होंने नहीं की ना वो चीजें हम कर रहे हैं। हाँ मतलब हर बंदे का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल। हाँ तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी यहाँ पे ला पाए, आप भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। पैसे बजट बजट हम सब बता देंगे, हमारा कितना डीजल लग रहा है इसके अंदर, क्या डीजल ज्यादा लग रहा है, पीती ज्यादा है गाड़ी। हाँ, और जब आप नुब्रा से 8 किलोमीटर तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे को जाना होगा आपको, हम भी पूछ के ही आए हैं किसी हाँ। से, और यहाँ पे कहते हैं कि डबल हम कैमल हैं, वो हमने कैमल राइड करनी है, बच्चे भी एक्साइटेड हैं और हम भी एक्साइटेड। यस यू आर एक्साइटेड फॉर कैमल राइड? यस। देखो डबल हम कैमल कभी नहीं देखे हम, हाँ, अपने घर के आसपास देखे कैमल, डबल हम कैमल हमने टीवी पे देखे हैं, रियल टाइम में नहीं देखा यार, तो अब वो चीज भी हम पूरी कर लेंगे आज। हाँ रियल में नहीं देखे थे हमने कभी, और मैंने तो कभी कैमल राइड की भी नहीं। हाँ बच्चों ने कैमल राइड कभी, कैमल राइड मैंने भी कभी नहीं, मैंने की हुई है, मैंने दो बार ही की है, प्रतापगढ़ फार्म्स वहाँ पे की थी और एक बार ही मैंने बचपन में की थी। हाँ हम डेंचर करने गए थे ना उधर, बहुत प्यारी सी कैट दिखी, अंकल की पेट थी वो वाले, मैंने उसको तो एक बार टच किया पर वो बहुत सॉफ्ट थी, दीदी ने तो दो बार टच किया शांति स्तूपा में। हाँ अच्छा, गाड़ी जाते वक्त ना पत्थर लग गया। ओहो अच्छा, मतलब गाड़ी कोई जा रही थी वो पत्थर उड़ के लग गया। ओहो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, वैसे भी पहाड़ों पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन। और आपका? साहिबा। बहुत सुंदर साहिमा, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा ठीक है, देखो ये हमारे मेहमान घर पे तो नहीं आए लेकिन गाड़ी में आए, वो बच्चे से चला नहीं जा रहा था उनसे, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम छोड़ देते हैं। हमारे पास तो जगह है, हमारे पास जगह है, डिफिकल्ट हो रहा आपको बैठना? हाँ क्योंकि इधर राइट चलना है, आप ना सीधा नीचे चल रही है, हम यही तो उधर जाते हैं। तो गाइज ये है सैंड ड्यून्स की, हर तरह का मज़ा यहाँ पे हमें मिल चुका है अभी तक फिलहाल। आप यहाँ पे भी देखो वो डबल हम्प कैमल्स वहाँ पे, यहाँ हॉर्स राइड वगैरह, बाकी यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो लेट्स डू इट, लेट्स हैव फन। जंप जंप जंप, हाँ रख पैर ऊपर चढ़ जा, हो गए लिप्सा और साची। इसको पकड़, तो आगे को तो नहीं गिरूंगी, नहीं गिरेगा। चलो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा मैं इससे कुछ नहीं कर रहा हूं, हटाओ भैया इसको। ये कॉमेडी होगी, कॉमेडी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
अरे कुछ नहीं बंद, क्या हो रहा है साची? कमोन सीधा हो के बैठो, सीधा हो के बैठो। हेलो पापा, सीधा हो के बैठो। डरना नहीं यार। अरे भैया इसको मैसेज करो। ओह माय गॉड, अभी ऐसे चलेंगे साथ साथ, ठीक है? आप भी चलो। मैं पागल हूँ। देखो जी, वापसी हो गई है। लिप्सा की फीलिंग देखते हैं क्या होती है। बाकी दोनों बलुंगड़े, दोनों बच्चे। हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा। ये रो रहे थे ये दोनों। अच्छा। और इसने मेरे पे छींका। ओह शिट, कैमल भाई उसको कहते कैमल जी, उसको कहते कैमल जी थोड़ा धीरे चलो। की रस्सी पकड़ दूसरे हाथ से भी। हाँ बस उसको कवर करके, कवर करके रस्सी पकड़ ले, बस उसको कवर करके रस्सी पकड़ साची। अरे ऐसे नहीं, साइड से, साइड से।